अनइक्वल क्लस्टर साइजेस की एस्टिमेशन आर लैंग्वेज में डिस्कस करने के बाद स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू कंडक्ट द सिमुलेशन स्टडी इन आर लैंग्वेज फॉर इक्वल साइजेस ऑफ क्लस्टर्स। इससे पहले हम इक्वल साइजेस ऑफ क्लस्टर्स के लिए आर लैंग्वेज में एस्टिमेशन कर चुके हैं, यानी एक डेटा सेट को यूज करके उससे हम एस्टिमेशन पॉपुलेशन मीन की जो एस्टिमेशन है वो परफॉर्म कर चुके हैं। अब हम यहां पर सिमुलेशन स्टडी कर रहे हैं। हम लोग ये बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं दैट इन सिमुलेशन स्टडी वी टेक द रिपीटेड सैंपल्स एंड वी कैलकुलेट अवर एस्टिमेटर्स फॉर द वेरियस सैंपल्स, देन वी कैलकुलेट द मीन ऑफ दोज एस्टिमेटर, आई मीन मीन एस्टिमेटर फ्रॉम दोज सैंपल्स एंड देन कैलकुलेट द मीन एंड वेरियंसेस फॉर ऑल ऑफ दोज कैलकुलेटेड सैंपल मीन्स। सो दिस इज ओवरऑल द प्रोसीजर दैट इज दैट वी अडॉप्ट इन सिमुलेशन स्टडी। सो सिमिलरली फॉर क्लस्टर सैम्पलिंग विल रिपीट दिस प्रोसेस। सो इस डेटा सेट को आप पहले भी देख चुके हैं, ये डेटा सेट जो है ये ऐसा डेटा सेट है जिसे हमने न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स को मैनुअली परफॉर्म करते हुए यूज किया था। इसमें हमारे पास 6 क्लस्टर्स हैं, क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3। हर एक क्लस्टर का साइज इक्वल है, 5 वैल्यूज हैं, 5 वैल्यूज हैं और आपको एंड पर इन सारे क्लस्टर्स का सम दिया गया। सो इन क्लस्टर्स को इसी डेटा सेट को मैं दोबारा से यूटिलाइज कर रहा हूँ फॉर कंडक्टिंग द सिमुलेशन स्टडी। सो वी हैव सीन दिस स्लाइड बिफोर जहां हम अपने क्लस्टर्स को एज वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। सो इस तरह से आप पहले भी देख चुके हैं क्लस्टर्स को एज वेरिएबल डिफाइन कर लें। सो फर्दर स्टूडेंट्स हम पॉपुलेशन को इस तरह से डिफाइन करते रहे हैं जिसमें हम सारे क्लस्टर्स को जो हमने पहले एज वेरिएबल डिफाइन किए हैं उनको एक वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं। तो सारी की सारी पॉपुलेशन की वैल्यूज एक वेरिएबल में आ जाती हैं जिसे हम पॉपुलेशन कह देते हैं। और इसके अलावा जो हमने क्लस्टर्स के सारे क्लस्टर्स के वेरिएबल बनाए हैं उनके सम्स को हम लेते रहे हैं और उनको डिफरेंट वेरिएबल्स में स्टोर करवाते रहे हैं। आप इन सम को एग्जीक्यूट करके भी देख सकते हैं, यानी अगर आप इन सारी कमांड्स को रन करें, एग्जीक्यूट करें और फिर उसके बाद आउटपुट स्क्रीन पर जाकर सम C1 लिखकर एंटर करेंगे, यानी ये लिखकर एंटर करेंगे तो आपको क्लस्टर 1 का सम मिल जाएगा वहां पर आउटपुट स्क्रीन पर। दैट वुड बी 614 जो मैंने आपको इससे पहले डेटा सेट में भी बताया। सिमिलरली सम C2 करके आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आप डिफरेंट सम्स को ये आप जब प्रोग्राम करें तो आप स्टेप वाइज इसको चेक करें कि आपके जो वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं उसमें कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है, उसको चेक करके आप आगे मूव करते हैं। सो आफ्टर डिफाइनिंग द वेरिएबल्स द क्लस्टर्स द पॉपुलेशन एंड द सम्स विल प्रोसेस फॉर सिमुलेशन स्टडी। स्टूडेंट्स सिमुलेशन स्टडी का जनरल प्रोसेस मैं अभी पहले भी मैंने बताया है कि हम इसमें बार बार सैम्पलिंग करते हैं और उससे हमारा एस्टिमेटर को कैलकुलेट करते हैं। सो यहां पर इस केस में yi दिस इज द वेरिएबल जिसमें हम डिफरेंट सम्स को जो हमने पहले कैलकुलेट किए हैं क्लस्टर्स के सम उनको स्टोर करवा रहे हैं और t.sum दिस इज द सम ऑफ yi यानी ग्रैंड टोटल पूरी की पूरी पॉपुलेशन का टोटल आ जाएगा हमारे पास। एंड इन दिस पोर्शन इन द लास्ट पोर्शन वी आर यूजिंग अ लूप टू कैलकुलेट द वेरियस टू फाइंड आउट द वेरियस सैंपल्स एंड देन टू कैलकुलेट द एस्टिमेटर फ्रॉम दोज वेरियस सैंपल्स। सो स्टूडेंट्स हियर वी आर डिफाइनिंग द सैंपल साइज। वी नो द कैपिटल एन एज 6 एंड वी नो द एम द साइज ऑफ द क्लस्टर्स For all the clusters is 5. Loop है i in 1 to 10,000, ये 5,000 भी हो सकता है, ये 15,000 भी हो सकता है, ये 20,000 भी हो सकता है। इसको हम जितना भी बढ़ाते हैं आमतौर पे हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो फिर कंसिस्टेंट आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जाहिर है उसमें एफर्ट्स बढ़ जाती हैं, उस पर टाइम भी ज्यादा लग सकता है। सो हियर दिस लूप इज रनिंग फ्रॉम 1 to 10,000। इसका मतलब है कि इसकी बॉडी में जो स्टेटमेंट्स हैं ये उसको 10,000 मरतबा एग्जीक्यूट करेगा। लूप का प्रोसेस इस तरह से है, आई सबसे पहले इस वैल्यू को कंटेन करेगा, यानी आई के अंदर जो वैल्यू स्टोर हो रही है
इस लूप को एग्जीक्यूट करते हुए वो सबसे पहले है वन। जब वन वैल्यू इसमें स्टोर हुई तो इसने इस बॉडी ऑफ द लूप को एग्जीक्यूट किया, दैट इज सैंपल वाई आई ऑफ साइज एन। वाई आई आप पहले से डिफाइन कर चुके हैं, ये सम है, यानी एक सम वाई आई के जो सम छह सम इसमें जो क्लस्टर्स के सम है वो स्टोर है, तो उसमें से आपने साइज थ्री का सैंपल लिया है और उसको वाई आई में रखा। इस वाई आई जो सम है इनको यूज किया सम ऑफ वाई आई और इससे कैलकुलेट किया क्लस्टर मीन्स एस्टिमेटर को। ये फॉर्मूला हम इक्वल साइजेस में पहले यूज कर चुके हैं। सो स्टूडेंट्स फर्दर जब i इज इक्वल टू वन से ये एक मरतबा एग्जीक्यूट कर देगा, यहां पर भी आप नोटिस कर लें कि इंडेक्सिंग है, i में इस वक्त वैल्यू वन है, इसका मतलब एस्टिमेट est.mean वन। ओके देन द लूप विल एग्जीक्यूट अगेन, i में अब वैल्यू जो स्टोर होगी वो टू हो जाएगी, एक एड हो जाएगा, दोबारा आएगा, सैंपल लेगा, कैलकुलेट करेगा, i में टू है तो est.mean टू सेकेंड वैल्यू, देन अगेन एग्जीक्यूट, दोबारा जाएगा, कंडीशन चेक करेगा कि अभी 10,000 से कम है, थ्री, तीसरी मरतबा, चौथी मरतबा, और इसी तरह ये 10,000 मरतबा, इट विल एग्जीक्यूट 10,000 टाइम्स एंड यू विल गेट एस्टिमेटेड वैल्यूज ऑफ द मीन 10,000 टाइम्स। जब आप इसको एग्जीक्यूट कर देंगे, इतने हिस्से को एग्जीक्यूट कर देंगे, एग्जीक्यूट करने के बाद अगर आप est.mean लिखकर आउटपुट स्क्रीन पर एंटर करेंगे तो आपको 10,000 एस्टिमेटेड वैल्यूज मिलेंगे। यानी est.mean एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें आपके एस्टिमेटर ने जो 10,000 वैल्यूज कैलकुलेट की हैं वो स्टोर है। अब इन 10,000 वैल्यूज का आप मीन ले लेंगे तो वो 10,000 जो एस्टिमेटर ने वैल्यूज कैलकुलेट की हैं वो 10,000 का मीन आ जाएगा, और अगर उसका वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे तो ओवरऑल वेरिएंस आ जाएगा। सो जब आप इसका मीन कैलकुलेट करेंगे तो दैट वुड बी अबाउट 128.2, जो कि ओवरऑल पॉपुलेशन का भी हमने जब कैलकुलेट किया था तो यही था 128.2, सो इसके नियर कहीं होगा। तो दिस इज हाउ यू कैन कंडक्ट द सिमुलेशन स्टडी फॉर इक्वल साइजेस ऑफ क्लस्टर्स।